आप इस क्रीम के बारे में नहीं जानते हो, ऐसा हो सकता है कि आपने ये क्रीम यूज ना की हो, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब सदाबहार टॉपिक है, हर कोई मतलब किसी ने तो यूज की ही होगी अपनी लाइफ में एक ना एक बार। तो आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। सदाबहार टॉपिक है, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे इस क्रीम के बारे में, लेकिन हाँ थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्रीम की बात करें, नाम वही है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज स्टाइल विद साहिबा। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे अपने घर में। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। तो गाइज, जिस क्रीम के बारे में आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है यहाँ पे ये फेयर एंड लवली की क्रीम, जो कि न्यू है आयुर्वेदिक केयर प्लस क्रीम। ये काफी अच्छी लगी है मुझे, और ये क्यों लगी है इसके बारे में ही बात करेंगे, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं और हाँ इसके साइड इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं वो भी इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी। तो वीडियो को देखना है आपको एंड तक। तो चलिए फाइनली मैं इसके बारे में बता देती हूँ, इसका रिव्यू आपके साथ में शेयर कर देती हूँ कि मुझे पर्सनली ये क्रीम कैसी लगी है, या फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी या फिर नहीं करूंगी। ये फेयर एंड लवली ने अपनी आयुर्वेदिक केयर प्लस नेचुरल ग्रो क्रीम निकाली है। काफी अच्छी है, पैकेजिंग में नॉर्मल स्टडी पैकेजिंग है, जैसे ऑलरेडी बाकी सारी पैकेजिंग आती है फेयर एंड लवली की, बाकी क्रीम्स की पैकेजिंग आती है। अगर आपको अंदर से देखोगे तो इसकी जो अंदर वाली पैकेजिंग है कुछ इस तरीके की ट्यूब में आपको मिल जाएगी, फेयर एंड लवली आयुर्वेदिक केयर प्लस नेचुरल ग्रो। तो यहाँ पर हमने पैकेजिंग के बारे में बात कर ली है। इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की आती है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग आती है, साथ में आपको इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे लिखे हुए। यहाँ पर भी आपको कुछ मिल जाएगा लिखा हुआ, बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे इसमें प्रेजेंटिंग न्यू फेयर एंड लवली आयुर्वेदिक केयर प्लस इन्फ्यूज विद 16 एक्सपर्ट आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स, इसमें फॉर नेचुरल ग्लो एवरी डे। मतलब कुछ इंग्रेडिएंट्स में ऐसे हैं जो कि आपको नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करते हैं। साथ में इसमें लिखा हुआ है कि ये आपको क्या क्या देता है, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, 3-4 चीजें इसमें मेंशन है। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट जस्ट अ क्रीम, इट इज योर आयुर्वेदिक ग्लो एक्सपर्ट। और हाँ, मैंने इंग्रेडिएंट्स भी रीड किए हैं, उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो। तो उसके बाद यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा, प्राइस यहाँ पे मिल जाएगा, आपको प्राइस मेंशन है यहाँ पे। ये जो मेरी क्वांटिटी है, क्वांटिटी मेरी यहाँ पे है 68 रुपीज की है, प्राइस इसका 68 रुपीज है। क्वांटिटी आपको मिलती है इसमें 25 ग्राम, मैंने यहाँ पे रीड किया था, कहाँ है खो गया। यहाँ पे क्वांटिटी आपको मिलेगी 25 ग्राम की विद 68 रुपीज में। तो प्राइसिंग के मामले में काफी ठीक है, नॉर्मल है, ओके है। तो यहाँ पर जो इसका टेक्सचर होने वाला है या फिर जो इसका फॉर्मूला होने वाला है वहाँ पे मैं आपको अपने हैंड पे लगा के बता देती हूँ। कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी में आपको ये क्रीम मिलेगी। हाँ थोड़ी सी थिक है ये, क्योंकि मैंने इसको पहले ही ट्राई किया है और ये थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में है। अगर आप इसको ब्लेंड करते हो डॉट डॉट मोशन में आपको फेस पे लगा के ब्लेंड करना पड़ेगा, और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसी फिनिशिंग आपको देगी। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे जिसको ब्लेंड करने के बाद आप इसका डिफरेंट देख सकते हो, मैंने इस हाथ में लगाया है, इस हाथ में नहीं लगाया है, और किस तरीके का आपको ये ग्लो मिलेगा इससे। यहाँ पे यहाँ से भी आप फर्क नजर आ सकता है आपको, मतलब देख सकते हो नेचुरल इंस्टेंटली। अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो। टेक्सचर काफी अच्छा है, मतलब आपके फेस के ऊपर इवनली स्प्रेड भी हो जाता है, आपके फेस को ग्लो भी प्रोवाइड करता है विद इन अ मिनट अगर आप इसको लगा लेते हो। और ज्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ज्यादा कोई भी चीज अगर आप लगाते हो तो व्हाइट कास्ट देता है, बट ये और फेयर एंड लवली जैसा नहीं है जो कि आपके फेस के ऊपर व्हाइट कास्ट देगा, नॉर्मल ओके है। अगर गाइज मैं इसकी कवरेज की बात करूँ तो आपको ओके कवरेज देती है, क्योंकि ये डेली पर्पज के लिए क्रीम है, डेली में ही अगर आप लगाते हो तो इंस्टेंटली आपको ग्लोइंग स्किन मिल जाती है। और यहाँ साथ में हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या क्या क्लेम करता है कि आपको ये क्या क्या प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे सारी आउटर पैकेजिंग में आपको मेंशन है इसकी डिटेल्स जो भी है। तो इसमें फर्स्ट इन्होंने बोला है क्लियर अनइवन स्किन टोन, वो क्यों आपको ये प्रोवाइड करेगा आपको, मतलब कि अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको क्लियर स्किन मिलेगी, वो कैसे मिलेगी? क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है मिल्क, चंदन, बीट जर्म ऑयल, ये सारे हेल्प करते हैं आपकी स्किन को लाइटन अप करने में। उसके बाद सेकंड चीज है क्लियर मार्क्स एंड इम्प्रूव्स कॉम्प्लेक्शन, इसने बोला है कि आप इसको लगाओगे तो आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं आपको एक पॉजिटिव बात बताना चाहती हूँ कि कोई भी क्रीम लगाकर आप गोरे नहीं हो सकते हो, मतलब कि आप फेयरनेस के पीछे भागोगे तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप बिल्कुल गोरे हो जाओगे। अगर आप ज्यादा आपका डार्क स्किन है या डस्की स्किन टाइप वाले लोग हो तो फिर आपकी स्किन जो है ज्यादा ही फेयर हो जाएगी। नॉर्मल 1-2 शेड आपको कोई भी क्रीम लाइट कर सकती है, बिल्कुल भी ज्यादा आप गोरे नहीं हो सकते हो किसी भी क्रीम को लगा के। लेकिन चीज आपको मैं बता देती हूँ, हाँ थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अभी। यहाँ पे नेक्स्ट जो इन्होंने बोला है काम्स एंड सूथ्स द स्किन, इसमें जो और भी है मतलब इसमें इंग्रेडिएंट्स जो मिक्सड है वो इसमें और भी है कि इसमें केसर आपका है, लोटस इसमें आपका है, और मंजिष्ठा इसमें मेंशन है कि वो इसमें डाला हुआ है इंग्रेडिएंट्स में। इसमें डाला हुआ है कुमकुमादी तैलम, जो कि काफी अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। उसमें थोड़े से एक्सट्रैक्ट इसमें मिक्स किए गए हैं उस ऑयल के, कुमकुमादी ऑयल हमारे फेस के लिए काफी अच्छा होता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है, साथ में बहुत ज्यादा स्मूथ बनाता है। तो इंग्रेडिएंट्स कुछ अच्छे मिक्स किए हैं इसलिए मुझे ये अच्छा लगा।
अगर यहाँ पे मैं सूटेबिलिटी की बात करूँ तो आपको, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, या फिर ड्राई स्किन है, या फिर ऑयली स्किन है, तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो नॉर्मल है, बिल्कुल ज्यादा रनी नहीं है और ज्यादा बिल्कुल भी ऑयली टाइप का नहीं है, तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। लेकिन मैं जिन लोगों को मना करूंगी, कौन लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं, मैं उनको, जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है, जिनकी ज्यादा एक्ने निकल आते हैं कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से, तो आप ये यूज ना करें। वो भी मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि इसमें क्या है, पैराबिन है। पैराबिन हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसके जो साइड इफेक्ट्स आपको अभी नहीं, लॉन्ग टर्म में जाके देखने को मिल सकते हैं, अगर आप डेली में ही फेयर एंड लवली का यूज करते हो या फिर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट का यूज करते हो जिसमें कि पैराबिन होता है, तो वो हमारे स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अपना ओपिनियन कि आपको ये यूज करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, या फिर मैं, मतलब मेरे को क्या लगता है कि ये क्रीम सही है या फिर नहीं है। तो पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मैं फेयरनेस के पीछे नहीं भागती हूँ। हर किसी का रंग उसके लिए खूबसूरत होता है, वो अपने आप में अलग इंसान होता है, अच्छा होता है। तो नॉर्मल अगर आपको इंस्टेंटली फेयरनेस चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सको, या फिर आपको सूट होती है, ये भी एक मेन पॉइंट है। अगर आपको फेयर एंड लवली सूट होती है, बहुत लोगों को फेयर एंड लवली सूट हो जाती है, काफी अच्छा उनके फेस के ऊपर लगती है, बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ती है, तो डेफिनेटली वो आप यूज कर सकते हो। यार, इंडिपेंडेंस वाला देश है, मतलब कोई भी कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है, तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। लेकिन जिनको सूट नहीं होती है या फिर पैराबिन से प्रॉब्लम है, पैराबिन वाले प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी इसको यूज ना करें। तो मेरा जो ओपिनियन है कि हाँ, आप यूज कर सकते हो अगर आपके ऊपर सूट होती है, अगर नहीं होती है तो आप यूज ना करें। और हाँ गाइस, कोई भी क्रीम लगाने से पहले आपको सनस्क्रीन स्किप नहीं करनी है, सनस्क्रीन जरूर लगानी है। भले आप कोई भी क्रीम यूज कर रहे हो, कोई भी सनस्क्रीन आपको जरूर लगानी है। और कौन सी सनस्क्रीन आपके लिए बेस्ट होती है, तो उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी ये वाली वीडियो। साथ में अगर आपको देखना है कि आप DIY मेकअप रिमूवर कैसे बना सकते हो, तो आपको देखनी पड़ेगी ये वाली वीडियो। तो ऑलराइट गाइस, आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो आपको पता ही कि आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्टाइल विद साइबा, पास में एक बेल आइकन होगा उसको हिट कर देना, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियोज अपलोड करूँ ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, मेरा ओपिनियन आपको कैसा लगा, या फिर आपको फेयर एंड लवली सूट होती है या फिर नहीं होती है, एक बार कमेंट में जरूर बताना। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।